सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों को रेफरेंस चलेगा या नहीं, इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं फैसल अब्बास से। जी फैसल, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए सदर आसिफ अली जरदारी और उसी के साथ ही साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ गाड़ियों का तोशाखाना रेफरेंस जो है उसकी आज समाअत जज अब्दाल साजिद ने की है। इस हवाले से जो सदर मुमलिकत के वकील हैं उन्होंने अदालत के सामने मौकफ अपनाया कि चूंकि आसिफ अली जरदारी अब सदर हैं तो उन्हें सदारती इस्तना है, जिस वजह से ये केस मजीद नहीं चल सकता। जिस पर जज आबिदा सज्जाद ने रिमार्क दिए कि जब ये केस आया था उस वक्त आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तना हासिल नहीं हुआ था। जो जहां तक नवाज शरीफ साहब के केस का ताल्लुक है वहां तक नवाज शरीफ का केस चलेगा या नहीं, और उसी के साथ ही जो सदर आसिफ अली जरदारी हैं इन दोनों के केस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है और महफूज शुदा फैसला अदालत जो है वो 14 अक्टूबर को सुनाएगी। सदर जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस चलेगा या नहीं और इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में फैसला महफूज, जबकि 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा, इस पर बात कर रहे थे फैसल अब्बास। आपका शुक्रिया।